नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश कर चुका है। नीतीश कुमार आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार पहली बार सिर्फ 7 दिनों के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बहुमत नहीं होने के कारण महज 1 सप्ताह के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में 7 अंक का विशेष किरदार रहा है, आइए जानते हैं कैसे। नीतीश कुमार पहली बार सिर्फ 7 दिनों के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चलवाई। बिहार में उनकी सबसे खास योजना 7 निश्चय योजना रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को 43 सीटें मिली, जिसका योग 7 होता है। आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और 16 तारीख को लिए, 16 का योग भी 7 होता है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के राजभवन में तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले एक नेता को शपथ पत्र पढ़ने को दिए थे। वो नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार वह नेता थे जिन्होंने लगभग 6 साल पहले जनता पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। आलम यह था कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते वक्त नीतीश कुमार को इस बात का इल्म था कि उनके पास जादुई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम उठा लिया था। हुआ भी वही जिस बात का अंदेशा था। 1 सप्ताह के बाद ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और उस वक्त बिहार को बदलने का उनका सपना अधूरा रह गया था। 5 साल बाद वक्त बदला और 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार महज 7 दिनों का मुख्यमंत्री बनने वाली नीतीश कुमार ने एक बार फिर शपथ पत्र पढ़ा और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी 26 नवंबर 2010 को हुई थी। अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव की लहर ला दी थी और बिहार की जनता ने उन्हें इसका इनाम दिया था। भारी जन समर्थन के साथ नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह वही दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए द्वारा साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोध कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। हालांकि उस वक्त मोदी लहर के कारण नीतीश कुमार की पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। सत्ताधारी दल होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस हार से निराश नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। फिर जदयू के तत्कालीन नेता जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार चौथी बार 22 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज होकर जदयू से नाता तोड़ लिया था और मांझी ने अपनी खुद की एक पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नाम से बनाई। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को पांचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाया। लगभग 1 दशक तक सत्ता से दूर रही लालू यादव की राजद पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने छठी बार 2017 में बिहार का कमान संभाला, क्योंकि नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे और 27 जुलाई 2017 को छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा के सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे और आज एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए। इस तरह नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनी। बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर जिले के श्री गणेश हाई स्कूल से हुई थी। बाद में उन्होंने पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान वे राजनीति में सक्रिय हो गए। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन में भी भाग लिए थे। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे थे। 1998 से 1999 तक वो केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2000 में नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे थे।
तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।